हिमाचल प्रदेश में ये पहली बार शायद ऐसी परिस्थिति आई कि कर्मचारियों को एक तारीख निकलने के बाद, दो भी निकलने के बाद और तीन तारीख भी निकलने के बाद अभी तक सैलरी नहीं मिल पाई। और इसका अभिप्राय सीधा है कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक रूप से गंभीर संकट है। और कई बार मैं देखता हूं कि मुख्यमंत्री जी कभी बोलते हैं संकट है और कभी बोलते हैं कि संकट नहीं है, और कभी तो ऐसे भी बोल देते हैं कि 2027 तक हिमाचल पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा। मैं समझता हूं कि अगर इस तरह की परिस्थिति अगर हिमाचल प्रदेश में सरकार के सामने आई है कि वो कर्मचारियों की सैलरी देने में असमर्थ हो गई है और पेंशनर्स की पेंशन देने में असमर्थ हो गई है, इस सारे विषय को बहुत गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से हिमाचल दिवालियेपन के कगार पर लगभग जो खड़ा होता दिख रहा है, विकास कार्य रुके पड़े हैं हिमाचल प्रदेश में। और ऐसी सूरत में जो हमने विधानसभा के अंदर नियम 67 के अंतर्गत पिछले कल नोटिस दिया था कि सारा कार्य स्थगित करके विधानसभा की कार्यवाही का इस विषय पर चर्चा की जाए, लेकिन उस विषय पर चर्चा जो है फिलहाल डेफर कर दी गई है। और आज विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी ने कहा है कि, और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि उस चर्चा को हम जल्दी लाने की हम कोशिश करेंगे। जब चर्चा होगी तो विस्तार से हम बात कहेंगे, लेकिन यह हकीकत है कि हिमाचल प्रदेश बहुत घोर आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है। मुख्यमंत्री बोलते केंद्र, देखिए केंद्र जो प्रदेश को जो मदद देते हैं उस मदद के जो माध्यम है वो बहुत स्पेसिफिक है। केंद्र से क्या मिलता है? केंद्र से यही मिलता है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हिमाचल प्रदेश को मिलती है, 6 तारीख को शायद मेकल में उसकी एक किस्त आने वाली है और उसे रोका नहीं गया, ना पहले रोका गया ना अब की बार रोका गया है। और इसके अलावा वो केंद्र से क्या मदद चाहते हैं? संकट तो प्रदेश का है और मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी के साथ इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि अगर प्रदेश में आर्थिक संकट है इसको ठीक करने की जिम्मेवारी प्रदेश की है, ना कि केंद्र की है। ये बार बार केंद्र के ऊपर हर बात का आरोप लगाना, हर तरह से केंद्र को कोसते रहना, ये मुझे लगता है कि उचित नहीं है। रास्ता क्या निकलता है उस रास्ते को निकालने के लिए प्रदेश में अगर सरकार कांग्रेस पार्टी की है तो जिम्मेवारी भी उस सरकार की है, मुख्यमंत्री की है। सर आप ये देख रहे हैं कि ये जो आ गया है या इसके पीछे कोई और है? नहीं देखिए, उसकी वजह तो है ही है, क्योंकि सत्ता को हासिल करने के लिए झूठी गारंटी दी गई और उन गारंटियों में से थोड़ा सा पोर्शन एक आधी गारंटी का जब अभी लागू करने की इस दिशा में आगे बढ़े तो प्रदेश आर्थिक संकट में आ गया है। अगर जिम्मेवार है तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जिम्मेवार है, इस बात को उनको समझना चाहिए। और बाकी सारी चीजों को लेकर के जो चर्चा विधानसभा के अंदर होगी उस वक्त हम जवाब देंगे।